अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोग से अपना तारुफ कराता चलूँ। मेरा नाम नवाबजादा मोहम्मद मीर सलीम अकबर खान बुगती है। मैं नवाब अकबर खान बुगती का पोता हूँ, नवाबजादा सलीम अकबर खान बुगती का बेटा हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान के विलेज डेरा बुगती से है। आज मैंने सोशल मीडिया पे रिटायर मेजर गौरव आर्या का टॉक शो देखा, जिसके अंदर वो न्यायती गलत बातें कर रहे थे। टॉक शो में उन्होंने तीन कौमों का नाम लिया था जो हमारे पाकिस्तान बलूचिस्तान से हैं, जिनमें तीन कौम थे, बुगती कबाइल, मरी कबाइल और मेंगल कबाइल। मेंगल कबाइल और मरी कबाइल का जवाब वो उस कबाइल के लोग खुद देंगे आपको। मैं बुगती कबाइल की तरफ से अपने कबाइल का जवाब देना पसंद करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को ये चीज वाजे करता चलूं कि इन्होंने कहा मेरे मोबाइल में बुगतियों के सरदारों के नंबर हैं और लोकेशन है। जहां तक बात नंबर और लोकेशंस का है, नंबर और लोकेशन किसी की भी निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपके लॉग लिस्ट में, आपके डायल लिस्ट में, आपके मैसेजिंग में मेरे फैमिली के, मेरे कौम के किसी से भी आपका रابطہ है या आपका वास्ता है, तो बराए मेहरबानी अपने इसी जो आप लोग का इंटरनेशनल सो कॉल्ड इंडियन इंटरनेशनल मीडिया चैनल था, जिसपे आज आप बैठ के फजूल उल्टी सीधी उठ पटांग बातें कर रहे थे, जिन बातों का न सर था न पैर था, बेबुनियाद बातें थी, उसी पे आप ला के प्रूफ दें और सामने लाए हकायक क्या है। हाँ, वो एक अलग बात है जो लोग हमारे मुल्क के खिलाफ गद्दार हैं, जो जो आप लोग के पेरोल पे हैं, आप लोग के जो चमचे हैं, कुछ जो है हमारे बलूचिस्तान के जो बाहर मुल्कों में पना लेके बैठे हुए, हाँ उनसे आपके रबते होंगे, क्योंकि उनसे ना हमारे रबते हैं, ना हमसे हमारे उनसे वास्ता है, ना हम उनको ओन करते हैं, उनको आप ओन करते हैं। दूसरी बात, आपने बात की बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। मैं आपको छोटा सा आप लोग का अपना हार बताता चलूं। आज से चंद साल पहले हमारे बलूचिस्तान के दो सरदारों को आप लोगों ने काबुल में पनाह दिया था, इकरामुल्ला करजई के सपोर्ट से, जिसमें एनडीएफ और आप लोग के रॉ ने सपोर्ट किया, जिसमें से एक वहां मारा गया और एक भाग गया। काबुल में आप लोग के अपने 7 से 8 कॉन्सुलेट हैं, आप लोग वहां उनको खैर खैरियत से पनाह नहीं दे सके, आप वहां उनको सिक्योर नहीं कर सके, आप उधर उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर सके, और आप बात करते हैं बलूचिस्तान में आप खड़े होंगे। कुछ दिन पहले कश्मीर में आप लोगों ने अभिनंदन भेजा था, वो कश्मीर था बचा, आप लोगों का अभिनंदन वापस आ गया, ये बलूचिस्तान है। इधर अभिनंदन क्या, अभिनंदन के जहाज की तस्वीर भी आपको नहीं मिलेगी। और उसके बाद मैं बात करता चलूंगा बांग्लादेश की। ये आप लोग बात करते हो 1971 में आप लोगों ने मुक्ति बाइनियों को पैसे और सपोर्ट देके आप लोगों ने बांग्लादेश का ये हाल किया। ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान को मजबूत करने में अपना खून पसीना दिया है, हमारे बाप दादाओं की मेहनत है। आप लोग की तरह हम लोग मीडिया पे बैठ के फजूल बातें, नॉनसेंस बातें नहीं करते, ना किसी बात का सर है ना पैर है। आप लोग आके बयान दे देते हमारे मोबाइल में नंबर है, ये है, ना नंबरों से कुछ होता है ना किसी चीज से कुछ होता है। ऐसे तो आप लोग के इंडियन आधे ज्यादा एक्ट्रेसेस की, एक्टर की तस्वीरें, मोबाइल नंबर हमारे पाकिस्तानियों के पास है, तो उसका मतलब हमारा सबसे रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फैक्ट्स पे आप लोग बात किया करें। और आखिरी में मैं ये बात कहता चलूंगा, ये जो आप लोगों ने चंद पाले हुए हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, दूसरे ममालिकों में बैठे हुए हैं, आप लोग के पे रोल्स पे आप लोग उन पे पैसा खर्च कर रहे हो कि खुदा ना खास्ता आप लोग पाकिस्तान को नुकसान दोगे या बलूचिस्तान को अलग करोगे, ये आप लोग का गलत फहमी है, ये ख्वाब है। उनको पैसे देने के बजाय आप अपने इकोनॉमी पे पैसे लगाएं,
जो आपके मुल्क के अंदर एक मिशन खालिस्तान जैसे मूवमेंट्स बहुत सी चल रही है उनको रोकने और राजी करने में पैसे लगाएं तो बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, बलोचिस्तान सदाबाद। शुक्रिया।